साल 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन किया गया था। इसका मकसद था केंद्र सरकार के अधीन रहकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना। एनआईए के पहले महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ था। महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख रहे आईपीएस सदानंद वसंत दाते को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया चीफ डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाले भारत के डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर सदानंद वसंत दाते की जिंदगी आसान नहीं रही है। कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने अपना करियर बनाया। महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे सदानंद दाते का जीवन मुश्किलों से भरा रहा है। जब वो 8वीं कक्षा में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में अखबार डालते थे। वो पुणे पुलिस लाइन में भी अखबार बांटने जाते थे और वहीं से उनके मन में पुलिस अधिकारी बनने की इच्छा जगी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने लाइब्रेरी देखभाल का भी काम किया। शुरुआत से ही उन्हें पढ़ाई में इतनी रुचि रही है कि उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री ली है। आईपीएस सदानंद वसंत दाते ने ICAI कॉस्ट अकाउंटेंट्स की डिग्री भी ली है। बेसिक एजुकेशन करने के बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और वो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने 2005-06 में हम्फ्री फेलोशिप प्राप्त की और आर्थिक अपराध और संगठित अपराध और इसकी प्रकृति जैसे विषयों पर रिसर्च की। 26/11 के हीरो कहे जाने वाले आईपीएस सदानंद वसंत दाते ने मुंबई हमले में अपनी बहादुरी और सूझबूझ से कई लोगों की जान बचाई थी। आईपीएस सदानंद ने आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। एनआईए महानिदेशक को कामा अस्पताल में महिलाओं और बच्चों की जान बचाने के लिए उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया गया था। एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर दाते ने CRPF, IB और ATS में अलग अलग पदों पर अपनी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही वो मीरा वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर भी रहे। संगठित क्राइम को खत्म करने में उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। दरअसल जब वो क्राइम ब्रांच के चीफ थे तो उन्होंने रवि पुजारी गैंग को खत्म कर दिया था। ये वही गैंग है जिस पर फिल्म एक्टर्स से लेकर प्रोड्यूसर्स तक को धमकाने के आरोप थे। साल 2007 में एनआईए के महानिदेशक को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त हुआ। 2009 में भी उन्हें महात्मा गांधी शांतता गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने हर ऑपरेशन को एनआईए के नए महानिदेशक ने हमेशा सफल बनाया है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनका अनुभव, उनकी समझ और उनकी नीति काफी मददगार साबित होगी।